तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डू, डज और डिड वाले वाक्यों को नेगेटिव बनाना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये कक्षा नवी, कक्षा दसवीं, कक्षा ग्यारहवीं और कक्षा बारहवीं के अंग्रेजी के पेपर में बिल्कुल पूछा जाता है ग्रामर वाले सेक्शन में। देखिएगा, यहाँ पर तीन सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं के माध्यम से आज हम ऐसे वाक्यों को जो इसमें कि डू आता है, डज आता है या डिड आता है, इसको हम नेगेटिव बनाना सीखने वाले हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस में अधिकतर बच्चे गलती करके क्या आते हैं, जब हम भी कॉपियों को देखते हैं तो उसमें अधिकतर गलतियां किस तरह की मिलती है, चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में ये वाला सेंटेंस आ गया मान लेते हैं, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, इस जगह पर नोट लिख कर आ जाएगा और वो सोचेगा कि हमारा पूरा सेंटेंस सही है, क्योंकि नेगेटिव बनाने को कहा था और हमने यहाँ पर नोट लिख दिया, ये सही हो गया। ऐसे ही बच्चा इस तरह के वाक्य में भी करता है जिसमें डू आता है, और ऐसे ही बच्चे इसमें भी करते हैं जिसमें कि डिड आता है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी गलती यही है, और देखिएगा खासकर ये ऐसे सेंटेंस आपको परीक्षा में क्यों दिए जाते हैं, चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा में खासकर इस तरह के सेंटेंस आपकी जो टेंस है ना, उसकी नॉलेज को पहचानने के लिए दिया जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि डज, डू और डिड ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एक क्रिया है जिसको कहते हैं हम करना। क्या है क्रिया है? करना। करने के लिए फॉर्म जो होती है ना, वो भी ये होती है डू। एक तो डू होती है, एक डिड होती है और एक डन होती है। तीन फॉर्म करना फॉर्म की होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो लपड़ा किया गया ना, ये आप क्या समझते हो इसको, आप हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हो इन तीनों को, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? वर्ब है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब अगर फिर भी आपको इतना समझ में नहीं आता है कि सर कौन सा टेंस के लपड़े में हमें फंसा रहा है, हमें तो टेंस आते नहीं है, हमें तो कुछ ऐसा तरीका बता दो कि जिससे कि हमारे यहाँ सेंटेंस भी सही हो जाए, और कोई एक ट्रिक बता दे कि हमें टेंस के लपड़े में नहीं फंसना, क्योंकि टेंस तो हमें आते नहीं है। तो जिन बच्चों को टेंस आता है उनके लिए मैं बता रहा हूं, अगर जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है उनके लिए बिल्कुल सरल तरीका भी बताऊंगा मैं आपको इन तीनों सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का। तो इसलिए आप सभी लोग यहां से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को आपकी पूरी तरीके जो स्टडी मटेरियल है वो बराबर मिलता रहता है, तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिएगा आप समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिएगा एक क्रिया होती है करना। करने के लिए तीन फॉर्म होती है अंग्रेजी में, पहली होती है डू, दूसरी होती है डिड और तीसरी होती है डन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस ये जो डज लिखा है इसको आप हेल्पिंग वर्ब वाला डज समझ रहे हो, ये वो नहीं है। ये वाकई में क्या है? ये डू है, और डू में फिर ई एस जोड़ा है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल का, और जिसमें ये डू लिखा है ना, इसको आप समझ रहे हो कि ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू है, वो नहीं है, ये वर्ब वाला डू है, ठीक है। और ये जो डिड लिखा है ना, ये सेकंड फॉर्म है इसकी, तो ये तो हो गया पास्ट सिंपल का सेंटेंस, और ये प्रेजेंट सिंपल का है, और ये भी प्रेजेंट सिंपल का है। तो वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जब वर्ब में एस या ई एस आता है तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है, जब इससे नेगेटिव बनाते हैं। तो अब हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डज को लगाएंगे। जब डज लगाएंगे तो वर्ब में लगा हुआ एस या ई एस हट जाता है, आप सभी लोगों को पता है। वैसे ही आपको ये करना है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखना है, तो ये डू अलग से रहेगा क्योंकि ये वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब वाला डू अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये डिड सेकंड फॉर्म लिखा है, जब हम इसमें पास्ट टेंस का जो डिड आता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिखेंगे, तो इस वाले डिड को थोड़ी हटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखें जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना सीखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसे बच्चे जिनको कि ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता टेंस वगैरह कुछ भी, आपको सिर्फ ये करके आना, देखो इधर इस जगह पर आपको नॉट डू लिखना है। क्या लिखना है? नॉट डू। तो देखो अगर इस जगह पर आप नॉट डू लिख दोगे तो सेंटेंस कैसा बनेगा आपका पूरा, चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा आपका सी डज Not do her work, okay? तो इतना सा याद रखना है तुम्हें, does ऐसा कैसे ही, और does के बाद में इस जगह पर आपको not do लिखना है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी।
तीनों में से कोई सा ही आ जाए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, तो मैं यही सेंटेंस आएंगे, मगर सेंटेंस ऐसा ही आपको मिलेगा देखने को जिसमें एक में डज होगा, इसमें एक में डू होगा और एक में डिड होगा। इन तीनों में से एक सेंटेंस आता है तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको इसे नेगेटिव बनाने के लिए, कुछ भी नहीं करना है। डज आया तो डज के बाद में नॉट डू लिख दो ऐसा कैसे ही जैसा मैंने लिखा है, डू आया तो डू के बाद में यहाँ पर नॉट डू लिख दो ऐसा कैसे ही, डिड आया तो डिड के बाद में यहाँ पर नॉट डू लिख दो ऐसा कैसे ही, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा ऐसा कैसे रहेगा आपका। तो आशा करता हूँ कि सीख गए होंगे आप बनाना। अब चलिए इसको बना के देखते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो वी ऐसा कैसे लिख दिया, डू भी ऐसा कैसे लिख दिया। अब मैंने बताया था इस जगह पर आपको क्या लिखना है, नॉट डू, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, नॉट और ये लिख दिया डू, और ये हो गया हमारा आवर वर्क, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब इसके अलावा इसको नेगेटिव बना के देखते हैं, राम डिड हिज होमवर्क, तो देखिएगा इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस करनी है आपको, राम डिड नॉट डू हिज होमवर्क। तो देखिएगा ये एक नंबर में पूछा जाता है आपसे और आप लोग इसको याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में आता है, या तो ये वाला सेंटेंस देगा या ये वाला देगा या ये वाला देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस ऐसा देगा जिसमें कि डज होगा, एक ऐसा देगा जिसमें डू होगा और एक ऐसा देगा जिसमें डिड होगा। अब सेंटेंस में बच्चे अधिकतर गलती क्या करके आ रहे थे कि नोट तो लिख कर आ रहे थे वो, मगर इसमें डू नहीं लिख रहे थे, डू नहीं लिख रहे थे, डू नहीं लिख रहे थे, ये सबसे बड़ी गलती होती है अधिकतर बच्चों से। तो इसलिए जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंस आते हैं वो भी, जिनको नहीं आते वो भी, आप तो सिर्फ इतना सा याद रखो इसमें, इस जगह पर आपको नॉट डू फंसाना है, इस जगह पर और इस जगह पर, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये आपको सेक्शन सी में देखने को मिलता है, कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक की परीक्षाओं में ये आता है, और ग्रामर वाले सेक्शन में आपसे पूछा जाता है मेक नेगेटिव। देखो ये लिखा था तो हमने इस तरह से इसको नेगेटिव बना दिया, इसको भी बना दिया और इसको भी बना दिया। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों को अब इसे आप लोग नेगेटिव बनाना सीख जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। देखिए गया डज थी जो कि क्या थी, ये करना का डू वाला रूप था ये जो लिखा है, और इसमें हमने एस या एस लगाया था। अब ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो ये आ गया, नॉट ये आ गया, ये वाला जो डज था वो डू में बदल गया, ओके, क्योंकि इसमें ई एस लगा था। आपको पता है कि जब डज आता है तो प्रेजेंट सिंपल के टेंस को जब नेगेटिव बनाते तो डज आता है, डज के बाद में नोट लिखते हैं, नोट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें जो एस या आईएस लगा होता है सिंगुलर के साथ में उसको हटा देते हैं, तो ये बन गया। अब ये डू क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी डू, तो इसमें हमने ये डू हेल्पिंग वर्ब वाला लिखा, नोट लिखा, इसके बाद में ये डू ये रहा, ऐसा कैसे ही। इसके बाद में इसको देखो, ये जो डेट था ना ये सेकेंड फॉर्म थी, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस था सिंपल वाला, तो इसमें जब हम नेगेटिव बनाते तो नेगेटिव में डेट हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद में नोट आया और ये डेट जो था डू में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं पास्ट सिंपल में उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो देखिएगा ऐसे आप सभी को मैंने यहाँ से आपके जो भी थे ना ये तीनों डज वाला डू वाला और डिड वाला सेंटेंस को नेगेटिव बनाना मैंने यहाँ से आपको अच्छे से सिखा दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप सभी लोग अब इस तरह के सेंटेंस में बिल्कुल भी गलती करके नहीं आओगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को चाहे तो एक बार और देख लो, एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ आपको मैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, डज डू और डिड के बाद में इस जगह पर नॉट डू फंसाना है अगर उसने कहा है कि इसको नेगेटिव बनाओ। क्या बनाओ, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने का बिल्कुल ही सरल तरीका मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।